हाय एवरीवन, मैं पूजा सक्सेना और आज यहाँ हिंदी पेडागोजी के कुछ 15 क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 15 क्वेश्चन कई टेट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, तो आपको हिंदी की पेडागोजी शिक्षा शास्त्र को समझने में सहायता करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यहाँ पर बच्चों, मध्यस्थ का मतलब होता है कौन सी ऐसी विधि है जो बिना मातृभाषा के प्रयोग के दूसरी भाषा आपको सिखा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता दूसरी भाषा को सीखने के लिए। जान लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि और व्याकरण एवं अनुवाद विधि। देखिए बच्चों, अगर हम व्याकरण एवं अनुवाद विधि की बात करें तो अनुवाद हम उसी का कर सकते हैं जब एक भाषा हमारे सामने हो और दूसरी में हम अनुवाद करें। अर्थात अगर हम संस्कृत भाषा लिखी है तो उसे हिंदी में अनुवादित करते हैं, इंग्लिश लिखी है तो उसे हिंदी में अनुवादित करते हैं, या हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं ना। ये सारे ट्रांसलेशन जो होते हैं, अनुवाद जो होते हैं, वो दो भाषाओं के मध्य होते हैं, किसी एक से नहीं। दूसरा अनुवाद विधि है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांसलेशन होगा तो वो क्या होगा, दो भाषाओं के बीच ही होगा। दूसरा ऑप्शन है जो द्विभाषीय विधि, इसमें नाम ही द्विभाषीय दिया है, यानी दो भाषा बोलना, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को एक दूसरे में ट्रांसलेट किया जाएगा। यहाँ आंसर है बच्चों इसका प्रत्यक्ष विधि। ये एक डायरेक्ट मेथड है, इसकी इंग्लिश फॉर्म है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में हम बच्चों को दूसरी भाषा सिखाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। अर्थात आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डायरेक्टली इंग्लिश सिखाई जाती है, हिंदी से इंग्लिश नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों, यहाँ पर नहीं है लगा हुआ है, यानी कि जो गलत आंसर होगा वही हमें देना है यहाँ पर। चलिए, पहला, भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो नहीं पूछा, ये तो सही है बच्चों। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। आप भाषा स्वयं सीख जाएं या फिर आप भाषा अर्जित कर लें, दोनों में अंतर रहेगा, यानी आपका ग्रहण करना किसी चीज़ को और स्वयं सीखना, दोनों में अंतर होता है। सही बात है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया रहता है। तो बच्चों, ये बात गलत हो गई यहाँ पर। कोई भी केवल लगा हो, ही लगा हो, हमेशा ये ऑप्शन गलत ही होते हैं। ठीक है, और आपसे गलत वाला ही ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऐसा मैंने पहले ही कह दिया था। तो यहाँ ये गलत है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही ध्यान दिया जाए। भाषा शिक्षण में बच्चों को भाषा किसी भी तरीके से सिखाई जाती है, केवल शुद्धता पर ही ध्यान देकर नहीं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और चौथा और भी देख लेते हैं, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो है सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। संप्रेषण परक का मतलब बच्चों यहाँ होता है कम्युनिकेटिव, अर्थात आपके भावों और विचारों को आदान प्रदान करने से। चलिए, यहाँ बताना है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या करता है। पहला, बोलना कौशल पर अधिक बल देता है। तो बातचीत करना, आदान प्रदान अपने भावों विचारों का करना, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमेशा बोलने पर ही बल दिया जाएगा। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर देना बल देना, अगर बात केवल कम्युनिकेशन करें तो हम कम्युनिकेशन केवल इसलिए नहीं करते कि हम भाषाओं की संरचना को ही केवल समझें। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ये हो सकता है बच्चों आंसर। मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, तो बच्चों ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मातृभाषा प्रयोग का निषेध करे। तो यहाँ जो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है, वो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ये सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्वलीन विकार, स्वलीन विकार जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मैं बच्चा क्या करता है या किस तरह रहता है, ये बताना है आपको। स्वलीन विकार ऑटिस्टिक ऑर्डर में बच्चा, पहला, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो केवल अपने ही कार्यों में लीन रहेगा। ठीक है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। हाथ पैर ही नहीं, वो शायद बहुत कुछ जो है कार्य करने में अक्षम हो सकता है।
सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है। तो खाने से मना नहीं करता, ये भी सही नहीं है। सी ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर है। जो स्वलीन होता है, ऑटिस्टिक बच्चा होता है, सामाजिक अंतर्क्रिया माने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में, संप्रेषण करने में कठिनाई का अनुभव करता है, एक दूसरे से बातचीत करने में, अपने विचारों को प्रकट करने में वो कठिनाई का अनुभव करता है। अगला देख लेते हैं। LS वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, वाइगोत्स्की ने इनमें से क्या बताया है ये बताना है। भाषा एक अर्जित योग्यता है, तो ये वाइगोत्स्की ने नहीं, नियोम चॉम्स्की ने बताया है। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ये भी वाइगोत्स्की ने नहीं, चॉम्स्की ने बताया है। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ये तो प्याजे और चॉम्स्की दोनों पर अगर विवाद की बात कहें तो वो भी हो सकती है, पर ये नहीं है, वाइगोत्स्की द्वारा कही गई बात नहीं है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की ने बताया है कि भाषा एक सामाजिक अंतर्क्रिया है, और चिंतन प्याजे ने बताया है कि चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रोसेस है। तो यहाँ पर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये वाइगोत्स्की का कहना है। डी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही होगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? पहला, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है, बलपूर्वक विकसित करनी होती है। ध्यान रखना, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है तो कक्षा में भाषा सीखना बलपूर्वक तो ये गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है तो बलपूर्वक तो सीखी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के होंगे। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, पुस्तकों के निर्माण से अगर कोई भाषा सीख जाता तो बात ही कुछ और होती। दूसरा ऑप्शन भी गलत लग रहा है। उचित विचार बताना है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, तो बच्चों सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का अगर ज़्यादा और प्रयोग हो गया तो बच्चे अपनी सहज और स्वाभाविक जो अर्जित प्रवृत्ति है भाषा की, उसको सीखने में भी दिक्कत कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी बच्चों यहाँ गलत हो गया। बच्चा डी ऑप्शन जो इसका सही आंसर है वो है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, माने कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट दिया जाए कि बच्चे सहज रूप से भाषा सीख पाएँ, ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थितियां बन सकें। डी ऑप्शन सही है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा के लिए। डी ऑप्शन बच्चों सही है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? तो बच्चों, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये नियोम चॉम्स्की का विचार है, और इनका कहना है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता पाई जाती है। नियोम चॉम्स्की। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, आठवां क्वेश्चन है। क्यों? ठीक है, लोकगीत याद रखिए, चाहे भाषा की कक्षा हो अथवा विद्यालय में किसी भी चीज़ की कक्षा हो, अगर किसी संस्कृति को, संगीत को, कला को भाषा शिक्षण की कक्षा में स्थान दिया जा रहा है अथवा अन्य कक्षा में स्थान दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि बच्चों को समृद्ध एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए। पहला, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, बिल्कुल हो सकता है, चलिए इसको अलग रख लेते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कभी भी किसी एक चीज़ को बढ़ावा देना नहीं होता, इसलिए गलत हो गए। सी ऑप्शन है, लोकगीत गाए जा सकते हैं। यहाँ गाने के लिए भाषा शिक्षण की परीक्षा में, कक्षा में लोकगीतों को नहीं सुनाया जा रहा। केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ केवल और ही वाले शब्द मैंने आपसे कहा था रॉन्ग होते हैं, क्योंकि कभी कोई एक चीज़ बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो सी डी ऑप्शन भी बच्चों गलत हो गया। बचा पहला ऑप्शन,
कि इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। मैंने कहा कोई भी कला, कोई भी संस्कृति, कोई भी संगीत अगर एक विद्यालय में सिखवाया जाता है बच्चों को, तो इसका मतलब वहाँ की संस्कृति से, उस संस्कृति की विशेषताओं से बच्चों को परिचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, और यह किसकी ओर संकेत करता है? सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किसकी ओर संकेत करता है? पहला, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। दूसरा, उस अक्षर की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। अगर ध्यान से नहीं पढ़ती तो जीवन को कभी जिंदगी नहीं कहती। अगर केवल पठन अभ्यास की आवश्यकता होती तो वो जीवन को जिंदगी नहीं पढ़ती। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम होता तो भी वो बाक को जिंदगी नहीं पढ़ती, जीवन को जिंदगी नहीं पढ़ती। तीनों ही ऑप्शन बच्चों गलत लग रहे हैं। ऑप्शन ए सही है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जीवन का मतलब जिंदगी होता है, अर्थात वह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर मैंने प्रयोग किया गया है, फिर यहाँ मैंने प्रयोग किया गया है। यहाँ मैंने शब्द मैं के स्थान पर प्रयोग किया गया, अर्थात यहाँ पर व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अर्थात बच्चों से व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने के स्थान पर मैं का प्रयोग उसे करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, ये जानना है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पहला, प्रश्न बनवाने की या बनाने की आदत का विकास हो जाता है। गलत, आदतों के विकास के लिए प्रश्न नहीं बनवाए जाते। इस बात का पता चल जाता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। चलिए छोड़ते हैं इसको। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। तो ये ऑप्शन ए और डी तो गलत ही हो गए। फिर इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। तो शब्दों से परिचित करने के लिए उन्हें प्रश्न बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताया जा सकता है कि प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिल जाता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं। लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? लिखित कार्य की जांच में अगर टीचर बच्चों की सहायता ले तो क्या होता है? पहला, बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित हो जाते हैं। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। केवल लगा है, गलत होगा। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना गलत होगा। बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है। अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है। डी ऑप्शन सबसे सही लग रहा है कि हाँ, अगर बच्चों को लेखन कौशल या लिखित कार्य की जांच कराई जाए तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर भी मिलता है और अवलोकन क्षमता का विकास का भी अवसर मिलता है। यहाँ केवल ए ऑप्शन में केवल विचारों से परिचित लिखा है और इसमें यहाँ पर क्षमताओं के विकास भी लिखा है, इसलिए डी ऑप्शन बच्चों बेहतर है आंसर लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो ध्यान रखिए, कभी भी पढ़ना हो तो पढ़ना होना चाहिए समझकर या अर्थ ग्रहण करके। चलिए फिर भी देख लेते हैं, पढ़ना कौशल में शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर हम यहाँ डी से देखें तो तेज गति से पढ़ना, बिल्कुल गलत। केवल अक्षर पहचानना, बिल्कुल गलत। शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, गलत। पढ़ना कौशल में ये नहीं है कि आप शुद्ध ही बोलें, यह है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करके पढ़ना कि आप पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। ये पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्या करती हैं? पहला, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। बच्चों सही इसका आंसर यही है, क्योंकि हम कहते हैं कई बार
थार्नडाइक भी कहते हैं कि प्रयास करते रहिए, बीच बीच में त्रुटियां आती रहीं और यही त्रुटियों का जो अनुभव होगा वो आपको परफेक्ट बना देगा। तो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं त्रुटियां और समय के साथ दूर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका पहला ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? पहला, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चों, यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव आंसर देना है। कहानी कथन, देखिए कहानी कथन में क्या होता है, बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, सही है, भाषा सुनने को परिवेश मिलता है, सही है, और शब्द भंडार के विकास के अवसर मिलते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, यह गलत हो गया कि कहानी मत सुनाओ, यह उचित नहीं है। तो यहाँ पर गलत ही हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ नहीं है बताना है। बच्चों, ये थे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन बार बार टेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार।